तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खन्ना मैकेनिक। हमारे पास ये भाई आए हुए हैं लोनी की तरफ से, इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी। वो क्या प्रॉब्लम थी ये भाई बताएंगे। क्या प्रॉब्लम थी भाई आपकी गाड़ी में? भैया मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी गाड़ी में मैं सेल मारता हूँ, स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी देर आगे ले जाता हूँ बंद हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, बार बार बंद होती है, सेल भी नहीं लगता इसमें कभी कभी। मतलब ज़्यादा ही परेशान हो रहा हूँ मैं। कंपनी लेके गए थे आप गाड़ी? मैं कंपनी नहीं लेके गया, कंपनी वाले भी चोरी है। सही, मुझे 7,500 रुपये का खर्चा बताया था। अच्छा, और अब मैं इसी मारे, मैंने किसी ने मेरे को बताया यहाँ पे आने का, फिर मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। अब देखते हैं भैया, आप इसे ठीक करो जो। तो ये भाई की जो गाड़ी है वो है जुपिटर 110। इसमें जो कमी है, गाड़ी जो है इसमें हमने चेक कर लिया, इसमें गाड़ी में फ्यूल पम्प की ही कमी है। तो क्या कमी है कैसे, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ कि भैया इतना परेशान क्यों है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोनों तरफ सब सॉकेट हटा के दबाने के बाद हम इसे आराम से ऐसा करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गाड़ी की चाबी ऑन करेंगे। इधर से ये हमने गाड़ी की चाबी ऑन की और इधर देखेंगे हम। देखिए गाड़ी का जो हमारा प्रेशर जो है रुक रुक के आ रहा है। दोबारा मैं चाबी ऑन ऑफ करता हूँ, आप खाली पंप की तरफ देखिए। ये देखिए ऑन ऑफ करी, प्रेशर जो है रुक रुक के आ रहा है। एक जो अगर ये फ्यूल पंप अगर ठीक होता तो इसका प्रेशर कंटिन्यू डायरेक्ट अगर चाबी ऑन करने के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक इसका प्रेशर मारता, अगर ये फ्यूल पंप ठीक होता तो। बाकी मैं इसको खोल के और इसमें दूसरा फ्यूल पंप डाल के आपको प्रेशर इसका चेक करा दूँगा। तो सबसे पहले हमें इसका फ्यूल पंप का सॉकेट हटा देना है, उसके बाद हमें इसके सारे जो बोल्ट होते हैं ये बोल्ट को खोल लेना है। ये सारे बोल्ट खोलने के बाद आपको ये प्लेट जो है, ये प्लेट निकाल लेनी है। ये जो प्लेट है ये इस फ्यूल पंप को टाइट रखती है और ये इसकी एक तरीके से फिटिंग है। ये जो प्लेट है इसे एक साइड रख देते हैं, उसके बाद आराम से अपना फ्यूल पंप ऊपर को निकाल लो। और ये देखिए फ़िल्टर के तो इसके मानो बैंड ही बजी हुई है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज फ़िल्टर है इसका। और अक्सर जो फ्यूल पंप ख़राब होते हैं वो फ़िल्टर की ही वजह से होते हैं, क्योंकि लोग बाग लोकल पेट्रोल डलवा लेते हैं। लोकल पेट्रोल नहीं डलवाना चाहिए गाड़ी में, और गाड़ी का फ्यूल जो है हमेशा लेवल ऊपर ही रहना चाहिए। यानी 1-2 लीटर पेट्रोल हमेशा जो BS6 गाड़ियाँ हैं उसमें होना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जो हमारी मोटर जो होती है वो एयर ले लेती है, इसकी वजह से उसमें मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आने के बाद उसमें जो दिक्कत आने लगती है, इस वजह से हो सके तो हमें जेन्युइन पेट्रोल डलवाएं और अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप फ्यूल जो लेवल है वो पूरा रखें। अब ये जो हमारा फ्यूल पंप है हम इसे खोल रहे हैं। देखो ऊपर का हमने सॉकेट हटा दिया इसका। अब उसके बाद एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आप जब भी कभी मोटर फ्यूल पंप की मोटर आप डालें, अगर आप मैकेनिक हैं, आप कस्टमर जो भी है, तो आपको खोलते वक्त अपने वायर का फ़ोटो खींच लेना है, वीडियो बना लेना इस तरीके से, जो आपको याद रहे कि हमने कौन सा वायर कहाँ से निकाला था। अक्सर लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं फिट करते टाइम, खोलते टाइम ध्यान नहीं रखते हैं, फिर वो मेरे को फ़ोन करते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ। तो इसलिए आप ऐसा नौबत ही ना आए जो आपको किसी को कॉल करनी पड़े, आप खोलते टाइम उसका ध्यान रखें। तो ये जो हमारी मोटर है ये हमने खोल दिया। तो दोस्तों ये हमारी न्यू मोटर जो है, अब हम इसमें गाड़ी में फिट करने वाले हैं। ये मोटर जो हमारे पास होती है ये 1,000 रुपये की मोटर होती है। अगर आप ये मार्केट कंपनी से, अगर ये पहले तो अलग से मोटर कहीं मिलती नहीं, किसी सर्विस सेंटर में किसी कंपनी में अलग से मोटर नहीं मिलती आपको। अगर आप किसी कंपनी से डलवाते हैं तो आपको पूरा फील्ड में डलवाना पड़ेगा, जो कॉस्टली कम से कम 5,000 से 5,500 रुपये बैठेगा। मैं आपको मोटर 1,000 रुपये की दे दूँगा। मैन जो होता है, जो फील्ड पंप के अंदर पार्ट जो होता है, वो ये मोटर ही होती है मैन। जैसे ये इसकी मोटर जो पुरानी वाली मोटर है, ये नई वाली मोटर है जो, ठीक है, जो मेन पार्ट जो होता है ये मोटर होती है और एक फ़िल्टर होता है जो हमारा डब्बे में रखा हुआ, वो मैं इसमें डालूंगा फिटिंग करते टाइम। तो ये दोनों चीज़ में, मोटर और फिल्टर में, दोनों चीज़ आपको 1,000 रुपये की दे दूंगा अगर आप मुझसे मेरी वर्कशॉप से लेके जाते हो या आप मुझसे ऑर्डर पे मंगाते हो। तो अगर आप ऑर्डर पे मंगाते हो मुझसे किसी ऑल इंडिया डिलीवरी में, तो आपको 1,000 रुपये की मोटर प्लस 150 रुपये डिलीवरी चार्ज, टोटल 1,150 रुपये की आपको पड़ेगी। अगर आप मेरी वर्कशॉप से फिटिंग करा के लेके जाते हो तो आपको ये 1,500 रुपये विद फिटिंग पड़ेगी। ठीक है, अब ये मोटर जो कैसे फिटिंग करते हैं और तो मैं कैसा आपको उसका प्रेशर वेशर से चेक करा दूंगा मैं आपको। अब मैं मोटर फिट करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही भेजते रहें। तो इस तरीके से हम अपना ऑयलिंग फिट करेंगे। ऑयलिंग को फिट करने के बाद हम अपने मोटर को सेट करेंगे फ्यूल पंप के अंदर। अच्छे से बिठाने के बाद हमें इसके तारों को अच्छे से लगा देना है, जिस तरीके से आपने खोला था उसी तरीके से आपको देख के लगा देना है सारे तार। तार लगाने के बाद ये हमारा फ्यूल पंप मोटर सेट हो चुकी है। ऊपर का कैप लगा देते हैं। ये कैप लग के हमारा तैयार हो चुका है। अब जो रह गया इसका मेन फ़िल्टर, कभी भी आप मोटर डालें फ़िल्टर उसके साथ ज़रूर डालें, क्योंकि आप अगर पुराना फ़िल्टर डालेंगे तो आपकी गाड़ी
दोबारा प्रोडक्शन करने लगेगी। इसकी सेटिंग देख लें, खोलते टाइम ही देखना है आपको कि इसका फ़िल्टर का जो बड़ा एरिया है वो किस साइड रहेगा। अगर आप इसको खोलते टाइम ध्यान रखेंगे तो आपको फिट करते टाइम परेशानी नहीं होगी। उसके बाद ये लॉक लगा देंगे और ये देखिए हमारा फ्यूल पंप हो गया है तैयार। अब हम आपको इसका प्रेशर चेक करा देते हैं। तो ये हमारा फ्यूल पंप है, अब हम इसे गाड़ी में लगाने जा रहे हैं आपको प्रेशर चेक कराने के लिए। फिर सबसे पहले हम कुछ भी लगाने से पहले हम इसका सीधा सॉकेट लगाएंगे ताकि आपको हम इसका प्रेशर चेक करा दें। अब आप फ्यूल पंप की तरफ देखिए और मैं इधर से चाबी ऑन करता हूँ। ये देखिए प्रेशर माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा आ रहा है और हमारी गाड़ी की जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू।